कल्पस्य पर्वशतमन्वन्तरः द्वितीयपरार्धः उत्तरायणः वसन्त ऋतुः चैत्रमासस्य कृष्णपक्ष प्रतिपदा तिथिः इन्दुवासरश्च युगाब्द द्वाविंशत्यधिक एकपञ्चाशत्शतं विक्रम संवत् सप्तसप्तत्यधिक द्विसहस्रं मार्च मासस्य ऊनत्रिंशतिः तारिका अद्य दिवसः सर्वेषां कृते मङ्गलमयं भवतु इति विभुपदारविन्दयोः विनम्र प्रार्थना। आज की प्रेरणा, श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है और योग्यता स्थान देती है, पर तीनों मिल जाए तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान देती है। इसलिए हम आज से इन तीन बात को अपना कर सम्मान के पात्र होने को प्रयत्न करेंगे। आज है पवित्र होली महोत्सव। होली रंगों का तथा हंसी खुशी का त्यौहार है। यह भारत का एक प्रमुख और प्रसिद्ध त्यौहार है जो आज विश्व भर में मनाया जाने लगा है। रंगों का त्यौहार कहा जाने वाला यह पर्व पारंपरिक रूप से दो दिन मनाया जाता है। यह प्रमुखता से भारत तथा नेपाल में मनाया जाता है। यह त्यौहार कई अन्य देशों में जिनमें अल्पसंख्यक के हिंदू रहते हैं वहाँ भी धूमधाम से मनाया जाता है। पहले दिन को होलिका जलाई जाती है जिसे होलिका दहन भी कहते हैं। दूसरे दिन जिसे प्रमुखतः धुलेड़ी एवं घुरेड़ी, घुरखेल या धूली बंधन इसके अन्य नाम है, लोग एक दूसरे पर रंग, अबीर, गुलाब इत्यादि फेंकते हैं, ढोल बजाकर होली के गीत गाते जाते हैं और घर घर जाकर लोगों को रंग लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि होली के दिन लोग पुरानी कटुता को भूलकर गले मिलते हैं और फिर दोस्त बन जाते हैं। एक दूसरे को रंगने और गाने बजाने का दौर दोपहर तक चलता है। इसके बाद स्नान करके विश्राम करने के बाद नए कपड़े पहनकर शाम को लोग एक दूसरे के घर मिलने जाते हैं, गले मिलते हैं और मिठाइयाँ खिलाती हैं। राग अर्थात संगीत और रंग तो उसके प्रमुख अंग है ही, पर इनको उत्कर्ष तक पहुंचाने वाली प्रकृति भी इस समय रंग बिरंगी ओवन के साथ अपनी चरम अवस्था पर होती है। फाल्गुन माह में मनाए जाने के कारण इसे फाल्गुनी भी कहते हैं। होली का त्यौहार बसंत पंचमी से ही आरंभ हो जाता है। उसी दिन पहली बार गुलाब उड़ाया जाता है। इस दिन से फाग और धमार का गाना प्रारंभ हो जाता है। खेतों में सरसों खिल उठती है, बाग बगीचों में फूलों की आकर्षक छटा छा जाती है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मनुष्य सब उल्लास में परिपूर्ण हो जाते हैं। खेतों में गेहूं की बालियां उछलाने लगती है। बच्चे, बूढ़े सभी व्यक्ति सबको संकोच और रूढ़ियों को भूलकर ढोलक, झांझ, मंजीरों की धुन के साथ नृत्य, संगीत एवं रंगों में डूब जाते हैं। चारों तरफ रंगों की फुहार फूट उठती है। गुजिया होली का प्रमुख पकवान है जो कि मावा और मैदा से बनती है और मेवाओं से युक्त होती है। इस दिन कांची के बड़े खाने एवं खिलाने का भी रिवाज है। नए कपड़े पहनकर होली की शाम को लोग एक दूसरे के घर होली मिलने जाते हैं, जहां उनका स्वागत गुजिया, नमकीन एवं ठंडाई से किया जाता है। कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि रंगों से खेलने से स्वास्थ्य पर इनका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि रंग हमारे शरीर तथा मानसिक स्वास्थ्य पर कई तरीके से असर डालते हैं। पश्चिमी फिजिशियन और डॉक्टरों का मानना है कि एक स्वस्थ शरीर के लिए रंगों का महत्वपूर्ण स्थान है। होली के मौके पर लोग अपने घरों की भी साफ सफाई करते हैं, जिससे धूल, गर्द, मच्छरों और अन्य कीटाणुओं का भी सफाया हो जाता है। एक साफ सुथरा घर आमतौर पर उसमें रहने वाले को सुखद एहसास देने के साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का भी प्रभावित करता है।
गुलाल का रंग गुब्बारों की मार, सूरज की किरणें खुशियों की बहार, चांद की चांदनी अपनों का प्यार, मुबारक हो आपको रंगों का त्यौहार। अस्तु।